नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। देश व प्रदेश में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में पिछले दिनों लगातार हत्याओं से पूरा उत्तर प्रदेश सहम गया है। नाकाम योगी सरकार अपराधों पर अंकुश नहीं लगा पा रही। कई प्रदेशों में आपराधिक स्थितियां चरम सीमा पर हैं। महंगाई आसमान छू रही है। किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। महिलाएं अपने आप को इस प्रदेश में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। व्यापारी की हत्या हो रही है, जिसके चलते सपा के नेता शशिमा सिंह ने राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को राकेश कुमार मिश्रा को सौंपते हुए कहा कि प्रदेश सरकार नाकाम साबित हो रही है। इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिलाओं पर लगातार हत्या और बलात्कार हो रहे और उनकी सुनवाई भी नहीं होती। इस दौरान रिजवान बेगम, सरीना बबली, दोहरे सावन आदि लोग मौजूद रहे। शिबू सैनिक, रिपोर्ट। भारत देश में स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, जो केंद्र सरकार ना ही किसानों की कोई सुनवाई कर रही है और जिस प्रकार से ये आपराधिक स्थितियां उत्पन्न होती जा रही हैं, महिलाओं के साथ भी अत्याचार हो रहा है, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं है और किसी तरीके का कोई भी नया एक्शन ही नहीं लिया जाता है कि इन अपराधों को कैसे ख़त्म करना है। और आज लोहिया जी की पुण्यतिथि है। उन्होंने कहा था कि जिंदा कौमें कभी 5 वर्ष इंतज़ार नहीं करती और ये महिला शक्ति है, हम भी इंतज़ार नहीं करेंगे। आने वाले समय में इस भारतीय जनता पार्टी को हम सत्ता से अवश्य ही उखाड़ कर फेंकेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, बच्चों की पढ़ाई अच्छे ढंग से सुचारू रूप से दोबारा से शुरू हो पाएगी। क्या उम्मीदें हैं आने वाली सरकार की? देखिए, हम 350 एवरेज पहुंचेंगे और पूर्ण बहुमत सरकार बनाएंगे और इससे ज़्यादा हम यही आश्वासन जनता को भी दे सकते हैं कि जनता पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी का सहयोग कर रही है। आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, इन्होंने भी झंडे उठा रखे हैं और इनको हम ज़बरदस्ती नहीं करवाते, ये खुद आगे बढ़कर आते हैं ये लोग। और बच्चे बच्चे के दिल में अखिलेश यादव जी हैं। एक महिला आपके संगठन में? देखिए, इस सरकार ने सिर्फ नाम का काम किया है, जैसे कि शौचालय दिए, पर इनके नीचे जो लोग, इनके जो वर्कर्स हैं, क्या वो हर ज़रूरतमंद को वो चीज़ें मुहैया करा पा रहे हैं? वो नहीं करा पा रहे हैं। और जनता को ठगने का और बेवकूफ़ बनाने का काम शौचालय देकर, उज्ज्वला योजना देकर, इस तरीके से जनता को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बना। कौन बना रही है जनता को बेवकूफ़? ये भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार में बैठे हमारे प्रधानमंत्री जी और योगी सरकार, ये दोनों लोग। तो 22 में क्या सरकार आ जाएगी? हाँ जी, 22 में इस बार समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनेगी। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज।